लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण ने सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता करने की अपील की है। गोरखपुर न्यूज के माध्यम से कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण ने कहा कि देश के लोकतंत्र में मतदान पर्व की तरह है जो 5 साल पर आता है, इसलिए इस महापर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। कुलपति ने कहा कि नवराष्ट्र के निर्माण में युवा मतदाता सरकार का भविष्य बनाता है, इसलिए युवा मतदाताओं से अपील है कि चुनाव के इस पर्व में अपने विवेक का इस्तेमाल करें और सुनहरे भविष्य के लिए अपना मतदान अवश्य करें। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण ने कहा, पहली बात तो मैं, भारत का लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में जो हमारा मतदान होता है एक पर्व की तरह है और हर 5 साल पे जब चुनाव का अवसर आता है तो भारत जनमानस उसमें उमड़ के प्रतिभाग करता है और पिछले 5 सालों के दौरान जो नए मतदाता जुड़े हैं, जो पिछले बार वोट नहीं दे पाए, अपने ज़िंदगी में पहली बार वोट देंगे, तो उनका उत्साह जो है अति चरम सीमा पे रहेगा और बढ़ चढ़ के अगर वो मतदान करेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो न किसी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे, क्योंकि उनके द्वारा चुनी हुई सरकारें जो निर्णय लेती हैं उससे देश का निर्माण होता है और चूंकि वो युवा मतदाता हैं तो उनको अभी अपना भी योगदान देना है और उनके भविष्य का निर्धारण होना है सरकारों के द्वारा और ज़्यादा उनको ऊपर प्रभावी होती है सरकारी नीतियाँ, तो इसलिए उनका बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना, मतदान में भाग लेना, अपने मताधिकार का प्रयोग करना अति आवश्यक होता है। तो मैं युवा मतदाताओं से अपील करूंगा कि एक पर्व की तरह से, एक उत्सव की तरह से बढ़ चढ़ के अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए मतदान करें और भविष्य, सुनहरे भविष्य के लिए अपना योगदान प्रदान करें।